हेलो गाइस, दिस इज गौरव सैनी। वेलकम टू आपका अपना चैनल स्टडी विद गौरव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? इस टॉपिक में बेसिकली हमको ये पढ़ना है कि जो रिवॉल्यूशन फ्रांस के अंदर हुआ, क्या उसका जो लोगों की आम जनता की जो लाइफ है उस पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है रिवॉल्यूशन का? तो जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। देखिए, जब कोई देश की हम बात करते हैं तो असल में देश में रिवॉल्यूशन होता है तो रिवॉल्यूशन करने वाले भी लोग हैं और रिवॉल्यूशन की पूरी घटनाओं को झेलने वाले भी उसके लोग ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस से मतलब असल में फ्रांस की जनता ही है, तो डेफिनेटली बात है कि रिवॉल्यूशन का उनकी लाइफ पे बहुत फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए पहला एक क्वेश्चन पूछा है, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स का बेशक हमारी लाइफ पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अगर मान लीजिए पॉलिटिकली कोई कानून बना दिया जाए या कोई लॉज इम्प्लीमेंट कर दिए जाए तो ये सारे चेंजेस हमारी लाइफ में जरूर आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. तो देखिए 1789 में ऐसा क्या हुआ था, आप जानते हैं, जो पेरिस की घटना थी, बैस्टिल जेल को तोड़ दिया गया था और फिर लोगों ने राजा के निरंकुश शासन के तौर पे इस घटना को लिया था। तो इस घटना के बाद फ्रांस में ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, जैकोबिन्स हो गए या फिर जीरोंडिन्स हो गए, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपने सेंट क्यूलॉट्स का नाम सुना था, सेंट क्यूलॉट्स भी क्या था, एक विशेष पहनावा ही तो था जो लोगों ने अपनाया था। ठीक है, तो वो किस वजह से पहना था लोगों ने, ये भी एक पॉलिटिक्स की ही बात थी कि भाई पॉलिटिकली वो जब अपने क्लब्स बनाने लगे तो उन्होंने अपना एक ड्रेस कोड बना लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का हमारे कपड़ों पे, हमारी भाषा पे और हमारी बुक्स पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो द इयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। इसके बाद द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी जो गवर्नमेंट थी, जो क्रांतिकारी सरकारें थी, उन्होंने कुछ लॉज पास किए और उन लॉज को पास करने का उनका जो मकसद था वो यही था कि लिबर्टी और इक्वलिटी, जो डेमोक्रेटिक हमारे दो फीचर्स हैं, इसको समाज में इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लॉ पास कर दिया इसके लिए कि जो लिबर्टी और इक्वलिटी के आइडियल्स हैं, ठीक है, वो लोगों की आम जनता की लाइफ में इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाए। ठीक है, तो इसको किस तरीके से किया उन्होंने, तरह तरह के लॉज पास करके, जिसमें से कि एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, देखिए, वन इंपोर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टोमिंग ऑफ द बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब पहले ये समझ ले कि सेंसरशिप क्या होती है। ठीक है, ये हालांकि मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, फिर से बताते हैं। सेंसरशिप का मतलब होता है चीजों पर रोक लगाना। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले जो ओल्ड रिजाइम था वहां पे ये था कि अगर मान लीजिए अखबार में, बुक्स में, न्यूज़पेपर में या किसी भी नाटक के थ्रू अगर मान लीजिए हम मंच पे कुछ करना चाहते हैं तो उसको डायरेक्ट पब्लिकली प्रकाशित या मंचित नहीं किया जाता था, उसको पहले राजा या महाराजा के सामने पेश किया जाता था और उसके जो अधिकारी, सेंसरशिप बोर्ड जो होता है, सेंसरशिप अधिकारी जो होते हैं, उनके आगे पहले उसको पेश किया जाता था। अगर मान लीजिए उनको उसमें कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी विद्रोह वाली बात लगती है या कोई भी भड़काऊ चीज लगे या कोई और अदर दिक्कत अगर उनको लगती है तो वो उसको क्या करते थे, उसको बैन कर दिया करते थे और उसको पब्लिकली इम्प्लीमेंट होने या प्रिंट होने नहीं दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे इस सेंसरशिप को इन्होंने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, लिबर्टी यानी कि एक तरीके से फ्रीडम आपको होनी चाहिए, आजादी आपको होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी देश के अंदर मुझे कुछ बोलने का ही अधिकार नहीं है, मैं जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता हूँ उसका ही अधिकार नहीं है, तो लिबर्टी का आइडियल बेकार है वहां पे। ठीक है,
तो लिबर्टी और इक्वलिटी को लाने के लिए इन्होंने ये सेंसरशिप हटा दी जो कि ओल्ड रिजाइम में लगा रखी थी। तो यहाँ पे इन्होंने सेंसरशिप हटाने का बहुत बड़ा एक काम किया। इस सेंसरशिप के हटने से क्या हुआ, आम जनता को भी और पॉलिटिकल ग्रुप्स को भी अब क्या है, पब्लिकली अपनी बातें कहने का, अपना पक्ष रखने का, किसी भी कानून या किसी भी नीति के ऊपर बोलने का अधिकार मिल गया। ठीक है, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। ठीक है, और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को क्या बना दिया गया, एक नेचुरल राइट बना दिया गया। यानी कि एक नागरिक और एक इंसान होने के नाते हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ठीक है, तो इस बात की लिबर्टी हमको होनी चाहिए। ये इन्होंने एक नेचुरल राइट बना दिया, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स घोषणा पत्र जो निकला था, ठीक है, उसमें इसको नेचुरल राइट माना गया। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड दी टाउन्स एंड ट्रेवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। देखिए, इससे पहले मैंने बताया कि सेंसरशिप लगा हुआ था, हर चीज बड़े सोच विचार के और देख जांच पर रख के जो है सेंसर होती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्योंकि सेंसरशिप तो हट गई, राजा के ऊपर, राजा की जो पावर थी सेंसरशिप की वो तो हटा दी गई। अब इस वजह से क्या हुआ, अब लोगों के मन में जो भी फीलिंग्स आती थी लोग उसको खुले हाथ से लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, किताबों के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, मंच पे लोगों ने प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब उनके पास आजादी है। उनके पास आजादी के साथ साथ उनको लिबर्टी और फ्रीडम दोनों ही है उसके पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी होती थी, जो अपोजिशन के लोग जिनको पहले सप्रेस कर दिया जाता था, कुछ भी बोलने नहीं दिया जाता था, अब उनको भी एक तरीके से आजादी मिल गई। तो लोग एक दूसरे के काम को जांच पड़ताल करने लगे और उनको भी उनके कामों के ऊपर भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये बुक्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह बहुत तेजी से बहुत बड़ी मात्रा में छपने लगी, प्रिंट होने लगी, प्रिंट मीडिया काफी तेजी से फैलने लगा और तरह तरह की पिक्चर्स और चीजों को लेकर के लोगों के बीच ये आइडियाज फैलने लगे। और धीरे धीरे यहां से ट्रेवल करते करते ये गांव गांव और जगह जगह तक फैलने लगे और पूरे फ्रांस में एक लहर सी आ गई। किस चीज की, ये लिबर्टी और इक्वलिटी के जो आइडियल्स थे उनके चलते जो किताबें, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते थे, सरकार को लेके, सरकार की नीतियों को लेके, पॉलिसीज को लेके जो भी चीजें छपती थी वो अब तेजी से लोगों में फैलने लगा। अब देखिए, किताबें क्या है कि किताबें हर कोई नहीं पढ़ पाता, समाज में सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पे, तो किताब कुछ गिने चुने लोग ही, हैंडफुल पीपल ही पढ़ सकते थे। ठीक है, और वही उसको समझ सकते थे। तो इस वजह से अब जो चीजें ये सेंसरशिप हटने के बाद हुई, तो क्या चेंजेस आए, अब लोग पैम्पलेट और चित्रों के माध्यम से बड़ी तेजी से जो है चीजों को रिप्रेजेंट करने लग गए। अब जब चित्रों के माध्यम से रिप्रेजेंट होने लगी चीजें, तो आप कोई भी बड़ी इजीली उनको समझ सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, नाटक होने लगे, प्लेज होने लगे, ड्रामाज होने लगे और उनके माध्यम से तेजी से जो है लोग चीजों को समझने करने लगे और इन ड्रामाज और प्लेज को देखने के लिए भारी भरकम भीड़ जो है क्लब्स में और उनमें इकट्ठा होने लगी। ठीक है, तो ये इसका फर्क पड़ा। इसके बाद देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन्स दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। तो ये मैंने आपको बताया था अभी कि अपोजिट व्यूज जो होते थे किसी भी घटना को लेकर के, अगर मान लीजिए कोई विरोधी व्यूज भी अगर आ रहे हैं, ठीक है, अपोजिशन का भी अगर कोई उसके ऊपर इशू है, कोई व्यू है, तो वो भी अब उसमें खुलेआम उसको कर सकता है। ठीक है, उसको अपने व्यूज को रख सकता है। मान लीजिए सरकार ने कोई पॉलिसी लागू की और मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उसको क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, तो अब मुझे भी आजादी मिल गई कि मैं उसको ओपनली क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट का यहाँ पे ये मतलब है। प्लेस सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स रोट अबाउट इन टेक्स्ट विच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, इट वॉज लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, कि प्ले सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसेशन जो होते थे उसमें बहुत भीड़ भर करके जाने लगी, क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लगा भाई किताबें पढ़ के वो नहीं सीख सकते थे, समझ सकते थे कि लिबर्टी और इक्वलिटी और जस्टिस के आइडियाज क्या हैं, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था और वो इस वजह से उन चीजों से दूर रहे।
लेकिन अब प्लेज और इन फेस्टिव्स के माध्यम से उनको चीजें समझ में आने लगी, वो प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिस के तौर पे वो करने लगे उन चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो फिलोसफर्स ने जो सारी बातें टेक्स्ट में लिखी थी, किताबों में लिखी थी, वो उनको समझ में नहीं आती थी, लेकिन इन प्लेज, सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसेशन के माध्यम से अब आम जनता इस कॉन्सेप्ट से जुड़ने लग गई। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि एवरीडे लाइफ में इस रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा। दोस्तों ये पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कंक्लूजन है कि भाई क्या हुआ था। देखिए वैसे ये मैंने आपको कई बार बोल चुका हूं कि ये पूरा सर्कुलर एक मोशन बन गया, पूरा सर्कुलर एक घटनाक्रम बन गया, क्योंकि शुरुआत में लुई 16 को हराने के लिए लोगों ने सबसे पहले आवाज उठाई थी, उसकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए आवाज उठाई थी, फिर उन्होंने नेशनल असेंबली, फिर कन्वेंशन और फिर ये सारी चीजें की और घूम फिर के वापस से वहीं आ गए। देखिए बस नेपोलियन बोनापार्ट के पहले लुई 16 थे और अब नेपोलियन बोनापार्ट है। ठीक है, हालांकि शुरू में लोगों ने इसको ये सोच के इसको सपोर्ट किया था कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है देश के अंदर उससे छुटकारा दिलाएगा, लेकिन ये खुद ही एम्परर बन जाएगा, ये लोगों को आइडिया नहीं था। ठीक है, तो इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। ठीक है, लुई 16 की जगह अब इन्होंने खुद को फ्रांस का एम्पायर घोषित कर दिया। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग कंट्रीज इन यूरोप, डिसपोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे देशों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। तो देखिए जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, मोनार्की फॉर्म से चले थे और मोनार्की पे ही वापस आ गए। हम लोगों ने लुई 16 से शुरुआत की थी और फिर हम लोग नेशनल असेंबली, फिर कन्वेंशन, फिर लौट फिर के और वापस से एम्पायर पे ही आ गए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि भाई 1804 में क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट जिसको शुरू में लोग समझ रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कन्वेंशन के बाद चल रही थी उससे छुटकारा दिलाएगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ और ज्यादा हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को ही एम्पायर घोषित कर दिया। ही सेट आउट टू कंकर नेबरिंग कंट्रीज इन यूरोप, डिसपोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही हैड वेर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, इसने आस पड़ोस के देशों को जीतना, उन पे अधिकार करना शुरू कर दिया, जो डायनेस्टीज वहां पहले से रूल कर रही थी उनको डिस्पजेस कर दिया। ठीक है, नए किंगडम्स बना करके अपने परिवार के लोगों को उस सभी जगहों का इसने अपॉइंट कर दिया और इस तरीके से अपने किंगडम को बढ़ा लिया। ही सॉ हिज रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज दी प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर्स प्रोवाइडेड बाई द डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो ये अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहते हैं। ठीक है, अपने आप को इन्होंने किस तरीके से दर्शाया है, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, यानी कि मॉडर्न करने का काम इन्होंने किया है यूरोप को। इनके हिसाब से यूरोप इससे पहले क्या था, मॉडर्न नहीं था, पिछड़ा हुआ था, और अब इन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया है यूरोप को। अच्छा, कुछ लॉज इन्होंने पास किए हैं जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ लेकर के आए जिसमें कि संरक्षण दिया गया लोगों को। ठीक है, जिनके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो किसी तरीके से इलीगल तरीके से उसको कोई छिना नहीं सकता, इस तरीके से इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉ निकाला है। इसके अलावा वेट्स और मीजर्स में भी जो डिफरेंसेस थे उसको दूर करने के लिए इन्होंने डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यू वेट्स एंड मीजर सिस्टम अप्लाई किया। इसके बाद देखिए ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। तो फाइनली इनका जो वॉर होता है वाटरलू में, ठीक है, 1815 में, तो वाटरलू में किसके साथ हुआ इनका युद्ध, इनका युद्ध इंग्लैंड और उसकी कुछ अलाइज पावर्स जैसे कि नीदरलैंड वगैरह और कुछ साथ में क्रूशिया वगैरह कुछ अलाइज पावर के साथ मिलकर के यूनाइटेड किंगडम के साथ इनका युद्ध होता है वाटरलू में और 1815 में, क्योंकि वो कई सारी ताकतों ने मिलके वॉर किया था तो नेपोलियन बोनापार्ट उनके आगे नहीं टिक पाए और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में ये हार जाते हैं और इनका पूरा एम्पायर चला जाता है। ठीक है,
अब ये तो रही पूरी कहानी के भाई किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ है ना, कैसे वो पावर में आए और किस तरीके से उनका अंत हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हो गया। इसी के साथ फ्रांस का जो हम कह सकते हैं कि मोनार्की सिस्टम था उसका अंत हो गया। लेकिन क्या मिला इस पूरी घटनाक्रम से, इस पूरे रिवॉल्यूशन से लोगों को क्या मिला? ठीक है, तो द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर दी मोस्ट इंपोर्टेंट लीगेसी ऑफ दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो एक तो लिबर्टी का जो आइडिया, फ्रीडम का जो आइडिया, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स का जो आइडिया लोगों को मिला, ये इसकी सबसे बड़ी देन और सबसे बड़ी लीगेसी है। खास बात यह है दोस्तों कि केवल ये फ्रांस तक सीमित नहीं रहेगा, ये यहां से निकल के बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जाएगा, यही आइडियाज, ठीक है, यही आइडियाज बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे और वहां पे भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे फ्रांस में हुआ है, अब दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और इसका प्रभाव इतना ज्यादा देखने को मिलेगा कि वहां से भी फ्यूडल सिस्टम खत्म हो जाता है बाकी के देशों से। ठीक है, इसके अलावा ये जिन जिन कंट्रीज में इनकी कॉलोनीज होती थी वहां भी इस प्रभाव को आप देख सकते हैं, जैसे कि इंडिया पे डायरेक्ट इसका प्रभाव है। ठीक है, ये सब देख सकते हैं आप। सो दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम वर अबोलिस्ट। कॉलोनाइज्ड पीपल रीवर्क दी आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सोवेराइन नेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए दोस्तों कि ये यूरोप के बाकी कंट्रीज तक फैला और वहां पे जो फ्यूडल सिस्टम चल रहे थे बाकी कंट्रीज में उनका अबोल्यूशन हुआ। ठीक है, वो भी खत्म हो गए। इसके बाद कॉलोनाइज्ड पीपल जो हैं, कॉलोनाइज्ड पीपल कौन लोग हैं, जैसे हम इंग्लैंड की कॉलोनी थे, ठीक है, इंडिया क्या था, इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी, तो कॉलोनाइज्ड पीपल रीवर्क दी आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। ठीक है, तो उनकी गुलामी से आजादी पाने के लिए उन्होंने इन्हीं आइडियाज का इस्तेमाल किया। मैंने कहा था ना आपसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंडिया पे भी सीधे प्रभाव पड़ता है, बाकी जो और कॉलोनीज थी फ्रेंच कॉलोनीज उन सभी पे इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो वही है कि भाई जो गुलाम देश हैं, जो जहां पे इनकी कॉलोनीज बनी हुई हैं, तो उन कॉलोनी वाली कंट्री जो हैं वो इनसे इस आइडिया को लेंगी, लिबर्टी और फ्रीडम वाले आइडिया को, और कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन करके अपने आप को आजाद घोषित कर देंगे। ठीक है, तो देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सोवराइन नेशन स्टेट, और अपने आप को सोवराइन नेशन स्टेट घोषित करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन टॉपिक भी खत्म और ये पूरा चैप्टर भी खत्म। आई होप मेरी जितनी भी वीडियोस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की रही हैं वो आपको पसंद आई होंगी और उससे स्टडीज में आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर बनता है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।